आज की वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनको HDFC बैंक का इंटरनेट बैंकिंग बनाना नहीं आता है। सो आज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे शेयर करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप HDFC बैंक का इंटरनेट बैंकिंग आप कैसे बनाएंगे घर बैठे अपने मोबाइल फोन से लैपटॉप से। तो कैसे बनाया जाता है HDFC बैंक का इंटरनेट बैंकिंग, ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक तो जरूर देखना होगा, तभी आप समझेंगे कि किस तरीके से HDFC बैंक का इंटरनेट बैंकिंग बनाया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मोबाइल में या लैपटॉप में HDFC नेट बैंकिंग डालिएगा तो कुछ आपको इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। तो आप स्क्रॉल करके नीचे आइएगा, यहाँ देख लीजिएगा कुछ हाईलाइट दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको जो है पर्सनल माउंटेड है, होम कार एडुकेशन है और भी बहुत सारा ऑप्शन। यहाँ देखिए क्रेडिट कार्ड लोन मिल जाएगा आपको, होम लोन, इंस्टा ये अप्रूव, पर्सनल लोन बहुत सारा है। तो यहाँ पर आपको सिंपली नेट बैंकिंग बना लेके यहाँ पे कंटिन्यू टू इंटरनेट बैंकिंग, तो आपको कुछ इस तरह से पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका जो यूजर आईडी है, कस्टमर आईडी है, वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद सिंपली कंटिन्यू, तो मैं चलिए यहाँ डाल लेता हूँ। तो आपको कस्टमर आईडी डालने के बाद आपको कुछ इस तरह से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ फॉरगेट पिन है, आपको यहाँ फॉरगेट पिन पर ओके कर देना है। तो जिसे यहाँ पर ओके कीजिएगा, आपको यहाँ पर एक बार और आपको कस्टमर आईडी डालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर डाल लीजिए। तो आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरह से ओपन होकर आ गया मेरा कस्टमर आईडी है। इसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए वन टाइम पासवर्ड रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपको जाएगा या मेल आईडी पे, तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है ऑप्शन। इसके बाद यहाँ पर जो है कैप्चा यहाँ पर डाल के कंटिन्यू, तो यहाँ पर ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि मोबाइल नंबर जो आपका बैंक में लिंक है वो यहाँ पर डालिएगा। तो यहाँ पर डालने के बाद आपके पास कोड आएगा, यहाँ देख रहे हैं नीचे। तो इसके बाद सिंपली आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। चलिए यहाँ मैं मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको कर देना है कंटिन्यू। तो यहाँ पे आपके देख रहे हैं कि OTP आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे और यहाँ पे ईमेल आईडी पे चला गया। तो यहाँ से आप कोड डाल दीजिए। कोड डालने के बाद यहाँ से सिंपली कंटिन्यू। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। यहाँ कन्फर्म पासवर्ड सेट, इसके बाद टर्म को एक्सेप्ट कीजिए, इसके बाद कन्फर्म। तो चलिए मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ। तो सिंपली आप जो पासवर्ड सेट किए थे वो पासवर्ड यहाँ डाल देना है, टर्म को एक्सेप्ट कर सिंपली लॉगिन। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कंग्रेचुलेशन हो गया है, मेरा पिन सेट हो चुका है। इसके बाद यहाँ सिंपली आपको क्लिक पर कर देना है। यहाँ पिन सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपडेट कीजिए, नहीं तो नो थैंक्स। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक कर देना है। तो आप डायरेक्ट इसी पोर्टल पर आ जाइएगा। इसके बाद फिर से आपको यूजर आईडी डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो डाल के इसके बाद सबमिट कर देना है। तो आप देख रहे हैं कि मैं जैसे डाला तो मेरा यहाँ पर रजिस्टर सिक्योर हो चुका है, मेरा रजिस्टर हो चुका है। सिंपली यहाँ पर रजिस्टर ना रजिस्टर लेटर, तो चलिए मैं रजिस्टर लेटर पर कर देता हूँ। अब देख रहे हैं कि मेरा ये अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपना अकाउंट HDFC बैंक में बना सकते हैं। और यहाँ से अगर आपका कार्ड आ जा रहा है तो आप यहाँ से कार्ड का पर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद कार्ड आ जाएगा, डेबिट कार्ड आ जाएगा आपके घर पे। इसके बाद यहाँ डीमो देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड यहाँ से आप देख सकते हैं, इंश्योरेंस यहाँ से आप कर सकते हैं, लोन वगैरह लेना हो तो यहाँ से आप ट्रांसफ़र और लोन को देख सकते हैं। और अकाउंट आपको देखना है तो यहाँ से जाकर आप अपना अकाउंट को मेंटेनेंस दे सकते हैं, आपका अकाउंट में कितना बैलेंस है वो यहाँ पर शो करेगा। और फंड ट्रांसफ़र के लिए आपको इस पर जाना पड़ेगा, ठीक है। और बिलिंग रिचार्ज के लिए आपको इस पर जाना पड़ेगा, जिसको अगर रिचार्ज करते हैं जैसे इलेक्ट्रिक बिल हो गया, टेलीफोन या मोबाइल बिल हो गया, प्रीपेड DTH मोबाइल पेंशन हो गया, गैस बिल हो गया, मुद्रा फंड हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कंस्टोमेशन हो गया और कंट्रीब्यूशन एंड करेक्टलिस्ट हो गया। तो यहाँ सिंपली आप जाके यहाँ से आप इसको कंटिन्यू करके यहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हो। तो बहुत ही आसानी से यहाँ से आप देख रहे हैं कि HDFC बैंक का आप नेट बैंकिंग बना सकते हो। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से HDFC बैंक का इंटरनेट बैंकिंग
बनाया जाता है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।